गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। ये आज का दिन मिलाप का दिन है। गुरु और शिष्य के मिलने का दिन है। मैं तो सोचती हूँ कि चाहे सब तक हो या ना हो, पर ये मिलने का समय है। उसके साथ सत्संग तो सुनते रहते हैं रोज। ये जो आज मिलाप का दिन है, दिल से गुरु से बातें करने का दिन, जैसे एक बार की बात, कोई संत रोज रोज आश्रम में सत्संग हुआ करता, उसमें राजा साहब भी सत्संग में आया करते, वो भी रोज सत्संग करते थे, सारी संगत भी रोज आती। एक दिन क्या हुआ, जब सारी संगत इकट्ठी हो गई तो महात्मा जी ने अपनी पीठ संगत की ओर करके, दीवार की ओर मुख करके सत्संग करने लगे। लोगों के अंदर चल रहा है कि आज ऐसा क्यों हुआ कि हमारे गुरुदेव नाराज है, या जो भी भाव होता चल रहा है। आए हुए समझना कि वो
मिलते हैं ना, वो एक आनंद का समय जो आनंद है उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कहीं किंतु परंतु भी नहीं। आनंद तो आनंद है, पर इतना याद रखना जिस गुरु के साथ हमारी लगन लगी हुई है उस शक्ति को, उस परमात्मा को, उसको कुछ भी कह दो, उसे कोई रूप दे दो, वो तो हर रूपों में तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे तुम बाहर हो, चाहे तुम अंदर हो, चाहे तुम कहीं विदेश में हो, वो जो परमात्मा की शक्ति है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जब गुरु की शक्ति साथ मिल जाए जीव को, तो जीवन में कोई कमी नहीं रहना, कि उसने तो उसी दिन हमारी सभी कमियां दूर कर दी। शरण रूप की प्राप्त हो एक अनमोल रत्न दे दिया, एक अमृत का प्याला बना दिया। पूछो किसी पीने वाले से क्या होता है, उसे ना सुख होती है ना दुख होती है, कुछ नहीं। जब तक पिएंगे नहीं, श्री महाराज जी तो कई बार फरमाते हैं, ताकि दिल की किताब जिन्हें पढ़ी हुई है, मोती अक्ष बड़ी दूर जाके लड़ी हुई है, जिसने दिल की किताब पढ़ ली, अपने गुरु की किताब पढ़ ली, उसकी आंख भ्रमण तक पहुंच जाती है। ताकि दिल की किताब जिन्हें पढ़ी हुई है, उसकी बड़ी दूर तक लड़ी हुई है, उन्हों वेदना लिखी, उन्हों कदेव ना लिखी, उन्हों अंजील ते कुरान ना लिखी, साकी दिल की किताब जिन्हें पढ़ी हुई है, उनकी आंख बड़ी दूर तक लड़ी। अपने गुरु को, अपनी उस शक्ति को जो में इस संसार में आए हुए हैं, उसको भूल गए, जीवन जीना मुश्किल हो गया, जी नहीं पाए। इसलिए हमेशा उस शक्ति को याद करते रहना, क्योंकि तुम सब बैठे हुए सुबह के हो, बहुत समा हो गया सब इसको यहाँ पे बैठे हुए, और सब से श्री गुरु महाराज जी के बारे में सुन रहे हो, गुरु पूजा के बारे में सुन रहे हो, और ये जो सब सुना है आपने इसको ही धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ो। बीच बीच में गलतियां हो जाती है सबके, कभी भूल गए कभी याद आ गए, तो थोड़ी थोड़ी तरक्की अपने जीवन के अंदर होनी चाहिए। जब हम तरक्की की ओर चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि तुम नहीं चल रहे, वो मंजिल तुम्हारे पास आ रही है। जैसे गाड़ी में बैठे हो तो इंसान गाड़ी चल रही लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, चल तो तुम रहे हो पर लगता है ऐसे कि पेड़ चल रहे हैं। इसी तरह जब तुम उसकी ओर चलोगे एक कदम, तो उसकी मंजिल तुम्हारी ओर आती हुई तुम्हें नजर आएगी, तुम नहीं चल रहे हो।
तो चल भी नहीं सकते हैं ना वहां तक। तो जब खींचता है, क्योंकि हमारे अंदर एक कर्म शक्ति है, और जब वो खींचेगा हमारी आकर्षण शक्ति खत्म हो जाएगी पृथ्वी तत्वी की। जब वो खींचता है तो वो क्रियो खींच रहता है, आकर्षण यहाँ का तत्काल समाप्त हो जाता है। ये कोई नई बातें नहीं है, हमेशा सुनते सुनाते आए हैं। अब इन बातों पर हमने अमल करना है। टाइम बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा न कहते हुए सबसे प्रार्थना उसको याद